हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है आसाम राइफल्स की तरफ से, जिसे टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती निकाली है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, यानी कि लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर से करना, और वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स शिलोंग, आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-2022। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट के बारे में बताया गया, यानी कि आपके जो रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू होंगे वो 25 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि आप 11 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जो भर्ती अकेले ऑनलाइन मोड से होगी, यानी कि आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, बाई पोस्ट या फिर कोई बाई हैंड से आप इसके लिए कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो सिंपली दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके आगे चलकर एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप बी के लिए भरते हैं, यानी कि ब्रिज या फिर रोड पोस्ट के लिए भरते हैं, तो इसकी फीस आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस मात्र 100 रुपये रहेगी। और दोस्तों, अगर आप SC ST कैटेगरी या फिर दूसरी कैटेगरी से हैं, तो आपको इसको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। आप ऑनलाइन मोड से, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर आपको आगे चलकर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि PST और PET, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ में रिटन टेस्ट के यहाँ पर कुछ सेंटर्स दिए गए, जैसे कि आसाम में डीपू, इसके बाद शिलोंग, मेघालय, जोरहट, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सिलचर कुछ और लोकरा जैसे जो है सेंटर्स दिए गए, यानी कि यहाँ पर आपका जो PET या फिर PST या फिर रिटर्न एग्जाम हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप SC ST कैटेगरी से या फिर OBC से, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका आपके पास एक स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको बताया गया, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही दोस्तों, आपको बताया गया कि आपको जो रैली साइट होगी, वहाँ पर आप मोबाइल या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एज की यहाँ पर बात करते हैं, तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर उम्र में पूरी छूट मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 23 के बीच में होनी चाहिए, यानी सिंपली आपका जो जन्म है 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको PST और या फिर PST की यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, यानी कि अगर आप ग्रुप बी के लिए भरते हैं तो आपकी उम्र जो है, सॉरी, आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर और आपकी चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर की रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट भी दी गई है। और दोस्तों, अगर आप ग्रुप सी के लिए भरते हैं तो इसका भी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर भी आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हौलदार यानी कलर्क और PA वारंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर, साथ ही जो चेस्ट है उनका जो एक्सपेंशन वो 77 से लेकर 82 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरे उम्र में छूट मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपको यहाँ पर PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया COVID-19 के जो प्रोटोकॉल्स है वो आपको फॉलो करने होंगे। अगर PET की बात करते हैं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा लगभग 8.5 मिनट में, जो है आपको टाइम मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी PET के बारे में बताया गया, तो आप इन्हें देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से। और दोस्तों, अगर रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 33% और अगर आप SC ST OBT कैंडिडेट हैं तो आपको 33% मार्क्स जो लाने अनिवार्य होंगे। आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको पूरी छूट मिल जाएगी, जो कि छूट टेस्ट में मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया गया, आप जिस भी कैटेगरी से फिल करेंगे उसका ट्रेड टेस्ट आपका होगा। इसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जाम होगा, यानी कि DME और इसके बाद RME यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा। साथ ही दोस्तों, ये सब क्लियर होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के बाद आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा। पे स्केल आपको यहाँ पर जो है पे स्केल के साथ अगर कुछ छूट भी दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, आपको रिजेक्शन के बारे में बताया गया, यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR होती है या फिर आपने जो फॉर्म है वो गलत फिल कर दिया है तो आपको खिलाफ जो है, सॉरी, आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है।
अब इसके बाद दोस्त देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एज लिमिट। यहाँ पर हालांकि दोस्तों एज लिमिट के बारे में हमने बात कर लिया है, अगर दोस्तों आप ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो ब्रिज और रोड के लिए यहाँ पर देखिए आपको पूरी जो है जानकारी दी गई। एज के बारे में हमने पहले बात कर लिया है। छात्र दोस्तों अगर आप ट्रेड यानी कि ब्रिज और रोड के लिए भरते हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होनी चाहिए। क्लर्क के लिए भरते हैं तो देखिए दोस्तों आपके प्लस टू का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर के जो टाइपिंग भी देखी जाएगी। इसी तरह से आप आगे चलकर पर्सनल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल लाइनमैन फील्ड और आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जो ट्रेड है उनमें वैकेंसी निकली है। मैं आपको और भी ट्रेड का नाम बता देता हूँ, जैसे एक सिंपल यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के साथ व्हीकल मैकेनिक, आप सोटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सर्वेरियर, फार्मासिस्ट और एक्सरे असिस्टेंट, यहाँ पर इस तरह से टोटल जो है लगभग 1230 यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरी जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार में यहाँ पर देखिए SC ST OBC जनरल की यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, आसाम में यहाँ पर वैकेंसी निकले हैं, बिहार में। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है मैं थोड़ा सा आपको पूरा टोटल दिखा देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं, आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल 1230 वैकेंसी निकली है, काफ़ी बड़ी है और दोस्तों आपके पास बहुत ही बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब में पाने का। साथ ही दोस्तों आसाम राइफल जो है मैं आपको बता दूँ काफ़ी अच्छी जो पोस्ट यहाँ पर निकलती है और काफ़ी अच्छी अच्छी जो है ये नौकरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग जो जो एरिया है वहाँ पर जो है वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है, तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं आराम से। और दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल जो है 1230 जो है वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर आपका पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज का दिया हुआ है, तो जिन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी के, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो दोस्तों अप्लाई जरूर से करना। और दोस्तों इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।